नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज करमता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, और आज की जो वीडियो बनाने जा रहा हूं थोड़े से टॉपिक से हटके है, हमारे चैनल से हटके है। पहले भी इस टॉपिक पे मैं वीडियो बना चुका हूं टीवी के ऊपर, आज भी बना रहा हूं। तो मैंने कुछ साल पहले ख़रीदा था मार्किओ टीवी 2018 में अक्टूबर के मंथ में, और आज 20 अगस्त 2022 की डेट पे मैंने टीवी चला के देखा। उससे पहले तो प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अभी प्रॉब्लम आई है। इसमें वाइट लाइन की प्रॉब्लम आ रही है नीचे स्क्रीन पे, इस तरह की लाइन आप देख सकते हैं। तो ये लाइन की प्रॉब्लम इसमें आने लगी है, और ये पैनल को अगर रिपेयर कराने जाओगे तो 26,000 या 28,500 का टीवी पड़ा था मुझे ये उस समय। अगर इसकी कीमत आधी मान लें तो 13-14 हज़ार का पैनल का खर्चा आ जाएगा इसमें। तो वही है कि ये टीवी ले तो लो मार्केट में, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग टर्म इसमें चलता नहीं। 4 साल इसने कंप्लीट नहीं कर पाए और यहाँ प्रॉब्लम शो होने लगी है। देखते हैं, फिलहाल तो ये है कि शुक्र है कि नीचे ही लाइन है तो मैनेज हो जाएगा, चला सकते हैं आराम से, टीवी चल जाएगा, बीच में नहीं है। तो फिलहाल जब तक चलेगी चलाएंगे, और जब ज़्यादा ही प्रॉब्लम करने लगे तो इसका पैनल चेंज कराएंगे, रिपेयर कराएंगे, जो भी होगा वो करेंगे। तो फिलहाल बस यही बताना था, अपडेट देना कि टीवी में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई है। लॉन्ग टर्म रिव्यू देने का सोच रहा था, लेकिन अब यही है, टीवी में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई है। तो अगर जिनका मार्क्यू टीवी है थोड़ा सा केयर करके चलाएं, और बताएं कमेंट करके उन्हें प्रॉब्लम मिलती है नहीं मिलती। अगर सही चल रहा है तो वो भी बताएं, नहीं चल रहा है या कोई प्रॉब्लम है वो भी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।